नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार के मंत्रियों के लिए नया बंगला जो है वो बनकर तैयार है। आज हम आपको इस वीडियो में बंगले के अंदर लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर बंगला जो बना है उसकी खूबसूरती जो है अंदर किस तरीके से दिख रही है। लेकिन सबसे पहले बाहर का व्यू देखिए कि बंगला जो है वो लगभग बनकर तैयार है और अब जल्द ही जो बिहार के मंत्री हैं वो शिफ्ट करेंगे अपने इस नए सरकारी बंगले में। हालांकि पटना का बेली रोड हो चाहे कई इलाकों में अलग अलग जगहों पर मंत्रियों का बंगला जो है वो पुराना वाला मौजूद है, वहाँ मंत्री रहते भी हैं, लेकिन अब उनके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। और पटना के गर्दनी बाग में स्थित ये इलाका है जहाँ पे आप विजुअल्स देख रहे हैं, जहाँ पर बिहार के मंत्रियों के लिए बंगला जो है वो बनकर लगभग तैयार है। अब तैयारियाँ जो हैं वो आखिरी दौर में पहुँच चुकी हैं। सिर्फ बंगला जो बनकर तैयार है और बंगले की एक तरह से कह सकते हैं कि बाहर का जो काम है वो बाकी है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बंगले के बाहर रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य है जो है वो किया जा रहा है और साथ ही फूलों से सजावट वाला काम जो है वो बचा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं किस तरीके से बना है बिहार के मंत्रियों के लिए बंगला। हम आपको एक एक विजुअल्स दिखाएंगे। अंदर जा रहे हैं अब हम और दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से बना है बिहार के मंत्रियों का बंगला। ये एक गार्डन एरिया है, आप देख सकते हैं। फिलहाल ये इसका काम अभी बचा हुआ है और इसे भी जल्द कर लिया जाएगा। फूल वाले पौधे हों, छोटे छोटे पौधे हों, डेकोरेटिव प्लांट हो, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, सभी तरह के पौधे जो हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे और आने वाले वक्त में कहें कि जल्द ही लगाए जाएंगे। और देखिए अभी फ़िलहाल ये ग्राउंड खाली है लेकिन जल्द ही ये हरा भरा दिखेगा, साज सज्जा से लैस दिखेगा। और अब हम जो हैं वो अंदर चलते हैं बंगले के अंदर। निर्माण कार्य जो है वो आखिरी दौर में पहुंच चुका है और ये पूरा एक सेक्शन जो है एक मंत्री को आवंटित होगा। और फिलहाल देख सकते हैं कि अब हम अंदर जा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी वक्त से निर्माण कार्य जो है वो चल रहा था, अब देखते हैं ये खुला है या बंद। ये खुला हुआ है और देखिए चलिए अब हम अंदर जा रहे हैं। मुख्य गेट हुआ ये और इसके साथ ही अंदर हम अब दाखिल हो रहे हैं। और देखिए किस तरीके से बिजली का जो कार्य है इस घर के अंदर वो भी लगभग पूर्ण हो चुका है। और नीचे जो फ्लोर पर आप देख रहे हो ना वो मार्बल लगा हुआ है, वाइट कलर का मार्बल और डिज़ाइनिंग ब्लैक के साथ की गई है। अब हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कुछ है। ये सब भाई साहब गजब बना है, बहुत सब कुछ एक तरह से कह सकते हैं ना कि सब कुछ तैयार है, लगभग बनकर तैयार ही है। ये रहा बाथरूम नीचे वाले फ्लोर पर और ये संभवतः एक कमरा होगा, ये बंद है अभी। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। देखिए कुर्सियाँ भी है ना, देखिए नीचे जो हैं कि देखिए जो सरकारी बंगले में जो कुर्सियाँ होती हैं वो भी दी जाती हैं। और ये देखिए कुर्सियाँ लगभग सब आ चुकी हैं, सब सेट आ चुका है और जब इसे काम होंगे तो बस इसे साफ सफाई कर देना पड़ेगा। और ये देखिए इस साइड एक किचन, इस साइड किचन दिया गया है। किचन देखिए कुर्सी आगे लगा हुआ है इसलिए अंदर जा नहीं सकते, लेकिन हम आपको बाहर से ही दिखाने की कोशिश करते हैं। और देखिए किस तरीके से किचन की खूबसूरती जो है वो दिख रही है, बिल्कुल मॉडर्न किचन है, ये मॉडलर किचन आप है ये, और सब कुछ बनकर तैयार है। चलिए चलिए अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। तो कुल मिला कहें कि नया बंगला जो बिहार के मंत्रियों के लिए बना है बिल्कुल हाईटेक सुंदर, जैसा कि आप विजुअल्स में भी देख रहे होंगे। और तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए सीढ़ियों पर भी ग्रीन कलर का मार्बल लगा हुआ है, बिल्कुल एकदम लग रहा है ना हाईफाई मॉडर्न वाला घर अब बिहार के मंत्री को मिलने वाला, अब जल्द ही मिलने वाला। देखिए निर्माण कार्य जो है वो लगभग अब पूरे हो चुके हैं और ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। देखिए शानदार है, लाजवाब है, अब माननीयों की तो बल्ले बल्ले हो गई, जो मंत्रियों की तो बल्ले बल्ले हो गई। इतना बढ़िया घर जो है
उन्हें अब मिलने जा रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर पे हम मौजूद हैं, जहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा सा बालकोनी एरिया है, जहां पर मंत्री जो हैं वो बैठ सकते हैं अपने परिवार के संग। और इधर भी एरिया है, देखिए। तो कुल मिला कहें कि ये बिल्कुल हाईफाई, एकदम हाईटेक, एकदम नया ज़माने वाला है। और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बालकोनी है मंत्रियों के लिए। और यहाँ पर देखिए, अब हम फर्स्ट फ्लोर के, देखिए फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। और यहाँ से देखिए आपको नीचे का, नीचे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तो लग रहा है। दरअसल आपको बता रहे थे कि विधायकों के लिए भी बंगला बनाया जा रहा है, जिस पर आज भवन निर्माण मंत्री ने बयान भी दिया, अशोक चौधरी ने। उन्होंने कहा कि विधायकों को, करीब 60 विधायकों को इसी महीने जहां पर विधायक आवास में बंगला बन रहा है विधायकों के लिए, वो अलॉट कर दिया जाएगा। अब रही बात मंत्रियों की, तो निर्माण कार्य जो, जैसा कि हमें दिख रहा है कि लगभग पूरा हो चुका है, और जल्द ही यहाँ पर जो बिहार के अलग अलग मंत्री हैं वो अब शिफ्ट कर जाएंगे। और ये पूरा सेक्शन जो है वो एक मंत्री का है। तो अब हम आपको दिखाते हैं, एक कमरे का भी दृश्य दिखा देते हैं आखिर कैसा है। ये देखिए वार्डरोब बना हुआ है, देखिए ये वार्डरोब है और ये कमरा है, और इधर सब कुछ खुला है, सब कुछ हो चुका है और बहुत ही शानदार। ये अब इधर बाथरूम है। तो कुल मिला कहें कि निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, और जल्द ही मंत्री महोदय जो हैं को, अलग अलग मंत्री महोदय को ये बंगला अलॉट कर दिया जाएगा, उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे। और देखिए बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि सोसाइटी की तरह पर डेवलप किया गया है। होता यह है कि मंत्री जो हैं वो अलग अलग इलाकों में रहते हैं, तो लेकिन इस निर्माण कार्य जब यहाँ मंत्री रहने आ जाएंगे तो एक ही सोसाइटी के अंदर सारे मंत्री शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कहें कि बिहार के जो सभी मंत्री हैं वो एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे, क्योंकि ये सोसाइटी की तरह डेवलप्ड किया गया है। तो हमने आपको जो नया निर्माण कार्य हो रहा है मंत्री जी के बंगले का, वो दिखाया। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।